वेलकम बैक टू आपका अपने चैनल पे, दिस इज़ रियली ओ। तो दोस्तों, आज मॉर्निंग के टाइम पे हम जा रहे हैं चाइना पीक सनराइज देखने, और मेरा साथ वाला मिस्टर प्रिंस कह रहा था कि सुबह 4 बजे चले जाएंगे। 5:30 बजे कॉल किया, उसे मैंने उठा ही नहीं था, फ़ोन करके उठाना पड़ा, अब उठ चुका हो। तो हम जा रहे हैं चाइना पीक की ओर को, और वो मेरा वेट कर रहा है तरीताल डाट में, जस्ट उसका कॉल भी आ रहा है, तो हमें भी तरीताल डाट का मैं भी विचार मार्केट पे। दोस्तों, ये एक ऐसा बंदा है ना, देखो इस बंदे ने मॉर्निंग टाइम पे समय देने के बाद अपना 5:30 बजे उठ रहा है, और वो भी कॉल पे। तो टाइम देखो, सिर्फ 10-13 मिनट लेट गाइस। अरे 13 मिनट लेट का छोड़, और जाना है हमें ऊपर टॉप पर, आज कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, और ये भाई रेडी है। अगले मैंने सोचा इसका फोन काटूं और सो जाऊं। भाई अगर ये काटते मेरा कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो मॉर्निंग वॉक में हुआ था ना, मैंने तो मॉर्निंग वॉक करना था। फिर मैंने कहा गाइस पठान की जवान है और जाएंगे जरूर, खत्म नहीं होने। और हमारे भाई हमारे साथ जुड़ गए और मोटी जैकेट पहनी है, और ये भाई ग्लव्स भी लेके नहीं है। ये लो ग्लव्स, क्या पहनने मेरे भाई, जवान खून है इसकी तरह जवान पतोड़ा है हमारा भाई, मैं तो इज्जत हो गया हूँ ना। और ये है जवान खून, देखो इन्होंने भी मुझे भी पाए हैं। अभी मुंह भी सही नहीं लग रहा होगा, थोड़ा सूजा हुआ लग रहा है, क्योंकि रात को पी ज्यादा है ना। तो भैया सुबह सुबह यहाँ पर हमने देखे हैं आग सेकने वाले, देखो आग जला रखी है, और हम सीधे मिलते हैं अब तुम्हें ऊपर टाकी बैंड पे। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं चाइना पीक के गेट के पास मॉर्निंग टाइम पे। यहाँ पर स्कूटी पार्क कर चुके हैं, रीच द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ चाइना पीक एंड नाउ वी स्टार्ट आवर ट्रैक। नैना 3 किलोमीटर का ऊपर मिलेंगे आपको सनराइज पे। सनराइज में मिलेंगे, मगर उस यार भैया ने ना स्कूटी बहुत जबरदस्त चलाई है यार, कोई मॉर्निंग के टाइम में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पैसे दिए में। तो हमारा ट्रैक जो शुरू होता है यहाँ से, और ये जलाएंगे फ्लैश लाइट, और उसके फ्लैश लाइट के साथ हम चढ़ेंगे ऊपर को। और यहाँ पर गाड़ियाँ भी बहुत खड़ी है, आज लगता है ट्रैकिंग करेंगे। पुलिस वाले दी गाड़ी सी मिल भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएगा। तो दोस्तों, बीच में ट्रैकिंग को हम दिखाते रहेंगे, बीच बीच के नज़ारे, और सीधे मिलेंगे हम तुम्हें ऊपर टॉप पे। जय माँ नंदा सुनंदा दी जय। अब भाई यहाँ पर तो भाई बिल्कुल कुछ दिख नहीं रहा है, तो पहले ही भालू वालू बैठे हैं। देखो आने वाले टाइम पर यहाँ पर टिकट हो जाएगा, तो उससे पहले विजिट कर लो नैना पीक। दोस्तों ये मार रहे हैं शॉर्टकट, और हमें कुछ पता नहीं है, और आज डर इस बात का है कि बाघ और भालू दोनों से सामना ना करना पड़ जाए भाई, और ये हमें ज़रा शॉर्टकट। आज हम खतरनाक वादियों से होते हुए निकलते हैं, मतलब शॉर्टकट रस्ते। मेरा मानना है कि अगर जिंदगी मौत दिखी है तो कभी भी मिल सकती है, कभी मिल सकती है। तो और भगवान हमारे साथ है, तो हमें किसी बात की डर नहीं है। तो भैया ये देखो हमारी पगडंडी वाला रास्ता, यानी बटिया द्वारा हम ऊपर को चढ़ते जा रहे हैं, और अभी से सांस फूलने लगी है, क्योंकि जो ऑक्सीजन लेवल है वो हमारा कम होने लग गया है। तो हम लद्दाख में कैसे सर्वाइव करेंगे भाई, ये बताइए। सी लेवल से बहुत ऊपर है, सी लेवल से, और देखिए अभी सनराइज होने वाला है, हल्की-हल्की आने लगी, वो देखिए सर सनराइज का होने लगा। और हम ऊपर जाके आपके पास सनराइज दिखाएंगे कि चाइना पीक से कैसा दिखता है सनराइज। और भाई अभी थोड़ा सा देर में आपसे बात करते हैं, क्योंकि जो रास्ता बड़ा जटिल है, ये देखिए। तो दोस्तों भैया ज़्यादा चले नहीं है, 500 मीटर भी चले, ऊपर तो थक गए, पानी की प्यास लगी मॉर्निंग टाइम में भैया को, यार क्या करा जाए इनका बताइए। गाइस ये नया नया ट्रैकर है, इसे मैं सिखा रहा हूँ। इनका मन है कि हम केदारनाथ की चढ़ाई आराम से पार कर दे, मगर आज पता चल गया बहुत टफ है। जानते होंगे मैं बहुत बड़ा इंटरनेशनल ट्रैकर हूँ, इंटरनेशनल, इसने एवरेस्ट चढ़ा है वो भी पता नहीं सपनों में, और अभी कह रहा है क्लाइंबिंग करेंगे, माउंटेनियर बनेंगे भैया। तो ये नया नया, इसे मैं सिखाना चाह रहा हूँ, नहीं सीखा पाएगा इसको, भूल जाओ, ये तो ऐसे ही कहता रहेगा। अबे ज्यादा पानी मत पीना, ज्यादा पीना पानी की तरह पी रहा गाइस कुत्ते भैया, रहने दो। तो ये बिल्कुल नहीं चल पा रहे ऊपर को, और ये शक्तिमान बना पड़ा है ऊपर, हो गया क्या होगा कुछ पता नहीं है। आने वाली पीढ़ी का, आने वाली पीढ़ी बर्बाद कर दिया उनको, ये देखो यार इनके बारे में कह रहे हैं नशे में बर्बाद कर दिया है। अब मेरे को पता नहीं है पूर्णतः कि ये नशे में लिप्त है कि नहीं है, बट हमें जाना है भाई ऊपर। मुझे मुश्किल लगता है कि हम सनराइज देख पाएंगे, हम उगता हुआ सूरज ही देख पाएंगे बस, भैया जो उग गया होगा पहले ही, बट हाँ सुबह के टाइम में चढ़ना है। अहो भाग्य हमारे जो हम चाइना पीक पधारे, यानी कि नैना पीक। दोस्तों हम आधे रास्ते में पहुँचे हैं, और जो भाइयों नीचे है देखो लाइट जल रही है, चढ़ नहीं पा रहा है, और सनराइज होने वाला है। और एक भाई ये है ट्रैकर मिस्टर जॉन,
बनेगा डॉन, जॉन से बढ़ के कौन, और चिल्ला रहा है अंधेरे में। हम ऐसी चढ़ाई से चढ़ते हुए सामने नैनीताल के पास पहुंचे और सनराइज होने वाला है यार, कितना खूबसूरत लग रहा है, देखो भाई मजा आ गया। प्रिंस भाई चढ़ चढ़ के थक गया, देखो इन्हें कहते हैं क्रेडिट प्रिंस, इंटरनेशनल ट्रैकर, थक चुका है पूरा थक चुका है। और सामने हम नजारा ले रहे सनराइज का, बिल्कुल। और देखो हमारी ढलान, ये देखो ढलान, ऐसे चढ़ते हुए आए ऊपर को, मगर बेस्ट फीलिंग है भाई, मजा आ रहा है, मतलब देख के तो देख के ना भाई स्वर्ग की जैसी फीलिंग हो रही है कि हम स्वर्ग की चढ़ाई चढ़ रहे हैं, जैसे कि उसमें तो नहीं होता तो पुराणों में। बस तो ये देखो नजारे कितने नीचे से ऊपर को चढ़ते हैं, सीधे खड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए, और भाई सनराइज का मजा लेंगे, थोड़ा और ऊपर पहुंच जाएंगे तो यार और ज्यादा मजा आएगा सनराइज देखते हुए। तो चलो ऊपर की ओर बढ़ते हैं, और बीच में कुछ भी होगा तो दिखाएंगे, देखो पीछे कैसे चढ़ रहा है, और मैंने भी ऐसे चल रहा है भाई। तो मेरे पीछे नजारे देख सकते हो सनराइज के, और चाइना पीक यहाँ से 1 किलोमीटर है क्या, ऊपर टॉप में जाना है यार, थकाई भी लग चुकी है, मगर भाई मजा एक तरफा है। ये देखो नीचे का नज़ारा देखोगे, देखो दोस्तों लव दिस फीलिंग, एक्साइटमेंट से भर चुका हूँ यार, ऐसा ट्रैक करने के बाद भाई मज़ा ही अलग है। सूरज उगने वाला है वहाँ से, और इधर आएगा नैनीताल की ओर को, और जो टेम्परेचर है वो -1 डिग्री है। हाँ, और ये भाई कह रहा है उस वादियों में जा चुकेंगे हम, जिस वादियों में हमें जाना होगा, बहुत थक गया भाई, उड़ते हुए पंछी की तरह थक चुका है बिल्कुल। कोई नहीं, हम देखेंगे यहाँ से, और ऊपर से भी थक चुके हैं, मगर अब सीधा सीधा रास्ता है, यो हमें यहाँ से निकलना है। और लोगों ने आगे पार्टी कर रखी, देखो यार ऐसे आप ना करें, ये गंदगी ना करें यार भाई लोग। तो हम यहाँ से नीचे की ओर उतर जाते, तो दोस्तों वहाँ से निकलने के बाद ये रास्ता देख सकते हो, हमें इस रास्ते से नीचे की ओर उतरना है। लैस खुल गई क्या मेरी, तो लैस बात लेते हैं, और यहाँ से हम नीचे उतर जाएंगे, और हमें जाना है अपनी मंजिल के पास, और हमारी मंजिल है उधर रास्तों के पास, किनार के पास। मगर भाई जगह एकदम औसम, और मौसम एकदम सेक्सी, और नीचे है खाई, मगर ट्रैकिंग इज औसम यार। फाइनली दोस्तों हमें रास्ता मिल चुका है अपना, जो पैदल वे है, ऊपर ट्रैकिंग करते करते थोड़ा परेशान हो चुके थे, बट वी आर एक्साइटेड कि सनराइज देखने को मिलेगा यहाँ से, और सौभाग्य मेरा ये है कि मैं आज में सनराइज दिखा सकता हूँ। और अब हम यहाँ से करीब लगभग 700 मीटर रह चुका है जो रास्ता हमारा। भाई मॉर्निंग टाइम में इस भाई ने आज मेरा ट्रैक पटा दिया, मज़ा आ गया, लाइफ बन गई। तो ये है वो रास्ता, पहले भाई ने तो अपनी हार मान ली, और ये दूसरे भाई को देखो चल रहा है, रुकना नहीं है कह रहे, देखो मोटिवेशन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो पहाड़ों के बीच फंस चुका है गगन भाई हमारे। दोस्तों अगेन हमने वो रास्ता छोड़ के पगडंडी वाला रास्ता पकड़ा, और हमें जाना किस रास्ते बता तुम्हें, तुम देखोगे तो तुम भी होगे मरने जा रहे हो रास्ता। तो दोस्तों ये है वो रास्ता जहाँ से हमने चलना है, ये देखिए, और ये रास्ता मिलता है सीधे वो टॉप में, देख लो वहाँ जाना है, और यहाँ से जो नज़ारे हैं ये देखो, सनराइज़ हुआ नहीं है अभी, और प्रिंस भाई हमारे बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि चढ़ चढ़ के ये भी थक चुके हैं, वो बंदे ने नीचे हार मान ली थी तो हम उसे नीचे छोड़ा है। तो भैया ऊपर से तुम्हें नज़ारे दिखाऊंगा खूबसूरती के, तो चलो फिर बढ़ते हैं ऊपर की ओर। अब ये देखो, और हिमालय रेंज देखो यार कितना खूबसूरत दिख रहा है, ये देखिए हिमालय थोड़ा बहुत दिख रहा है, सनराइज में और अच्छा दिखेगा, ऊपर से दिखाऊंगा तुम्हें। तो मैं कांट एक्सप्लेन यार, तुम्हें बता नहीं सकता हूँ कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ से, देखोगे देखो प्रिंस भाई, और नीचे नज़ारे इस कैमरे से उतना साफ नहीं आ रहा जितना यहाँ, देखो प्रकृति का स्पर्श लेने हम ऊपर चढ़ चुके हैं, और सामने देख रहे हो आप सत्यनारायण है, लास्ट टाइम हम जहाँ गए थे उसी के ऊपर कैमल बैग है, वहाँ भी गया हूँ मैं, और यहाँ से आप देख सकते हो 180 डिग्री भाई, बहुत ज़बरदस्त है यार, बहुत ज़बरदस्त है। ये देखिए आप खूबसूरत नज़ारे, ऊपर से चांद ही दिख रहा है भाई, वाह, जिंदगी में ऐसा अवसर प्रदान हुआ है कि यार मैं बार बार ऐसी जगह आना चाहूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर रुकना हमारी मंजिल नहीं है, हमारी मंजिल है ऊपर चढ़ना, क्योंकि हमें जो सनराइज़ देखना है ऊपर की ओर से देखना है, और हिमालय जो देखना है हमें सामने देखना है, और हिमालय इतना खूबसूरत दिख रहा है अभी, तो जब इसमें सूरज की रोशनी पड़ेगी तो समझ लेना कि हम
सोने से सुहागा चीज देख चुके हैं भाई। खूबसूरत चीजें हैं यार, दिखाता हूँ ना, बनता है यार। तो ये देखो कितना खूबसूरत नजारा है यहाँ से भी। लाइफ करवा रही है एडवेंचर, बट एडवेंचर इज बेस्ट फॉर अस। दुनिया में ऐसी चीजें देखने को बार बार नहीं मिलती यार। मैं थोड़ा आगे चला था, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ से रास्ता खत्म होने की ताकत पे है, मगर हम चढ़ेंगे, हम रास्ता बनाएंगे, क्योंकि हम हैं इंजीनियर और इंजीनियर ऑलवेज मेक अ वे फॉर आवर डेस्टिनी नॉट अ डिस्टेंस। तो ये रास्ता जो जाता है ऊपर पहाड़ों की दुनिया में लेके जाएगा, और ये पहाड़ हमें ऊपर ले जाएंगे भाई। दोस्तों मेरे पीछे का नज़ारा देखो, कैसी खाई में खड़े हैं ये देखो भाई। और नीचे नीचे मुझे कांकड़ भी दिख रहे भाई, यानी कि हिरन हिरन क्या था, ये वैरायटी अलग अलग हो सकती है मगर दिख जरूर प्यारे रहे यार। तो ये है हिरन का एरिया, देखो सामने हिरन दिख रहे हैं, और ये देखो नैनीताल। हाँ नैनीताल का वादियाँ, और यहाँ से अभी सूर्य उदय होने वाला है, हम देखेंगे सूर्य उदय आपके साथ और हमारे साथ, हमारी फैमिली वालों के साथ ऊपर चढ़ना पिक से। और ये देखो यार जिंदगी ख़त्म है भाई, बिल्कुल ख़त्म है, चाइना पिक की चढ़ाई चढ़ेंगे ये लोग हैं, दुविधा में डर लगा। आपको पता है इंटरनेशनल ट्रैकर इज ऑलवेज ऑलवेज अ ट्रैकर। चलिए भाई, तो मेरे पीछे से तुम सनराइज देख सकते हो, और प्रिंस चल रहा है, ऑलमोस्ट सनराइज हो चुका है, तो मैं दिखाता हूँ जल्दी से ऊपर पहुँच के भैया, मैं चढ़ रहा हूँ रुको। तो दोस्तों ये चढ़ चुका है और हल्का सा सनराइज हुआ है, और भाई देख के मज़ा आ चुका है यार, उससे हम हाई कह रहे हैं क्योंकि सेम टाइमिंग में हम दोनों उगे हैं अभी। तो फाइनली वी आर इन द टॉप, ऑन द टॉप इन द नी। और ये देखो भाई सनराइज होने क्या है खूबसूरती नज़ारे, और इस भाई ने धूली धूल कर दी। ये देख सकते हो आप, ओह चाहे कितना भी टाइम लगे मगर भाई हम पहुंच गए। ये देखो नीचे से दिखाऊं रास्ता, ये देखो, और ये रास्ते आया हम कोने कोने चढ़ते हुए, मगर एक चीज़ का फ़ायदा हमें ये हुआ कि हम जो ये रास्ते चढ़े इसने हमारा काफ़ी टाइम बचा दिया है आज, और सनराइज़ हो चुका है भाई, इसी चीज़ को देखने के लिए तो हम ऊपर चढ़े थे आज, और चढ़ गए फाइनली। तो दोस्त, तो मेरे दोस्त क्या कहेगा तू? और इसकी एक रिव्यू बनाई जाएगी, देखो दोस्तों खूबसूरत नज़ारे हमारे साथ प्रिंस भाई के साथ, क्या जबरदस्त है यार लोकेशन। तो चढ़ना ही पड़ेगा भाई, अगर तुम्हें ऐसी चीज़ को एक्सप्लोर करना है ना जिंदगी में, तो तुम्हें हर मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, चाहे कितनी भी कठिनाई तुम्हारे सामने आ जाए ना, देखना पड़ेगा, उगता हुआ सूरज को कोई रोक ही नहीं सकता, और वो एक बार ढलता भी ज़रूर है। और ये भाई अब मेडिटेशन कर रहा है मेरा भाई। दोस्तों ओम का साउंड सुन रहे हो तुम, ये ओम का साउंड कर रहा है यार भाई, इतनी ज़बरदस्त फीलिंग आ रही है ना मेरे को ये सनराइज देखने में। देखो यार पीछे कितना ज़बरदस्त लग रहा है, और हमारे पीछे पहले भी कुछ चर्च होंगे कोई बंदे, वो लंबे रास्ते हैं मगर हम शॉर्टकट आए, उसका ज़्यादा बेनिफिट है मेरा है। तो दोस्तों ये देख सकते हो सनराइज ऑलमोस्ट ऊपर हो चुका, और जो टेम्परेचर है ना भाई उसने मेरा हाथ जो है इतने ठंडे कर दिए, कलकलाई गई है भाई पहाड़ी में, कहते ना कलकलाई गई यार, बब्बा हो ततुक ठंड। और ये भाई मेडिटेशन में लगा पड़ा है यार, क्या सनराइज़ हो रहा है, अपनी दृष्टि से देख रहा हूँ, अपनी नज़रों से देख रहा हूँ, अपनी व्यू से देख रहा हूँ, अपने नज़रिए से देख रहा हूँ यार, खूबसूरत चीज़ें हमेशा मिलती नहीं है, और आज मुझे देखने को मिल रही है, मेरे सौभाग्य से उनकी बात नहीं है। और आप देख सकते हो यहाँ नैनीताल के नज़ारे, और अभी पूरा धुंध लगाया है, धुंध की वजह से पूरा साफ नहीं दिखाई दे रहा, और आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ऊपर से हिमालयाज व्यू कितना प्यारा लग रहा है, सनराइज़ ऑलमोस्ट हो चुका है, और पहली जो किरण पड़ रही है हम पे पड़ रही है अभी, क्योंकि जो ओम वाले मास्टर है वो मेडिटेशन में बिजी है, तो सनराइज़ जो है मेरे पे डिपेंड है अभी। तो मैं हिमालय का व्यू दिखाता हूँ यहाँ से, देखो जो चीज़ मैं तुम्हें दिखाना चाहता था ना प्रिंस भाई के साथ, तो प्रिंस ये कहेगा तू पता, वो देख भाई हिमालय। तो दोस्तों थोड़ा सा ब्लर के साथ मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ हिमालय भाई, पूरी पूरी पड़ रही है, ओम पर्वत दिखाई दे रहा है यहाँ से, और नंदा देवी और त्रिशूल पर्वत सब दिखाई दे रहे हैं यहाँ से भी, और इसी के साथ हमने सनराइज़ भी देखने का अवसर प्राप्त कर लिया है भाई। हाँ आएगा ही अब तो मज़ा तुम्हें, तुम तो कहो ही। तो भाई लास्ट टाइम इन्होंने यहाँ पर कैंपिंग करी थी, और कह रहे हैं हम 4 बजे उठे सुबह, क्योंकि हल्का सा वहाँ पे चाय बनाई थी, किधर ही इधर चाय बनाई थी, जो आयोजन कला कह सकते हैं ये लोग, मगर भाई वो जो नीचे जंगलों में फंसा है उसको एक बार फ़ोन कर ले यार प्रिंस, तो क्या होगा उसके पास ऐसा, तो लग जाना चाहिए, मगर भाई हिमालय की दृश्य ना काफ़ी
बेस्ट दिख रहा है यार यहाँ से दोस्तों। देख लो सनराइज कितना प्यारा लग रहा है। अगर हो सके तो मॉर्निंग टाइम यहाँ पर विजिट जरूर करना, क्योंकि सनराइज यहाँ से बेस्ट अभी मेरे को कहीं देखने को नहीं मिला, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है सनराइज देखने का, वो भी चाइना पिक से। तो आप आ सकते हो एट द मॉर्निंग टाइम, 5 बजे पहुँच सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है कितने बजे पहुँचे। मगर सनराइज यहाँ से ये देखो यार भैया, मैंगो व्यू पॉइंट है यहाँ से कितना प्यारा दिख रहा है। और इसी के जस्ट बगल में अगर ऊपर आते हो तो हिमालय दर्शन के भी नज़ारे आपको मिल जाएंगे। अभी देखो थोड़ी बहुत हिमालय दिखने लगे, रोशनी पड़ी है इसमें देखो, जैसे जैसे सन ऊपर को ओर जाते रहेगा हिमालय उतना साफ दिखाई देते रहेगा भाई। और अक्टूबर से लेकर मार्च तक का तो तुम्हें हिमालय ऐसे देखने को मिलेगा ना भाई। अभी कुछ दिनों में यहाँ बर्फ़ पड़ जाएगी तो और मनमोहक दृश्य देखने को मिलेंगे भैया। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी देर बैठे हैं और 15 से 20 मिनट से ऊपर ही हो चुका है लगभग, और अभी नज़ारे इतने प्यारे हैं ना भाई कि यार तुम कहोगे कि यार दिल को छू लिए हैं सबके सब। और सामने हिमालय देख सकते हो आप, हिमालय की जो रेंज है ना भाई आपको देख के ही मज़ा आ जाएगा। वो देखो हिमालय कितना प्यारा लग रहा है भाई। और इसके साथ साथ आप सनराइज़ भी देख सकते हो हमारे साथ, और ये है मैंगो लेक व्यू पॉइंट। और प्रिंस भाई हमारे गाना सुन रहे, शिव शिव शंभो भैया। दोस्तों अब हम नीचे की ओर बढ़ते हैं और उस भाई को साथ में मिलेंगे अभी यार। काफी मजा आएगा और काफी मजा आया। पीछे अभी व्यू भी इतना प्यारा आ रहा है, व्यू अच्छा है, मगर हमें हो चुका है पूरा, मगर हमें जाना है, पर हमें नीचे जाना है। और काफी टाइम स्पेंड कर चुके हैं यहाँ पर। और अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें, और अगली बार जिसको आना है कॉन्टेक्ट अस इन द डिस्क्रिप्शन, वी हैव योर आवर इंस्टा लिंक्स, और कॉल करो हमें, फोन करो, मैसेज करो, कुछ भी करो, मगर करो जरूर, हम अवेलेबल मिलेंगे इधर। और सब्सक्राइब करना रियो लियो ब्लॉग्स या किराना भी 04 होने वाले हैं। 1000 सब्सक्राइबर पे यही पार्टी करेंगे हम, यही पार्टी होगी, भव्य पार्टी होगी, भव्य पार्टी होगी। आप सबको इनविटेशन भी है, आप सबको इनविटेशन है। तो गाइस जल्दी शेयर करें, लाइक कमेंट सब कर दे, सब कर दे, और 1000 जल्दी करें। क्रेडिट प्रिंस, क्रेडिट प्रिंस ऑल्सो ब्लॉग्स, और रियो लियो 93004 या रियो ब्लॉग्स में सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय गाइस, बाय बाय बाय।